विंटर सीजन आ चुका है, लोग एक्टिविटी और फन के लिए बाहर निकल चुके हैं, और इसी के साथ साथ आज हम भी आ चुके हैं गुड़गांव के विशालगढ़ फार्म में, जो कि एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके साथ साथ यहाँ पर फूड वगैरह एक्टिविटीज सारी चीजें एक ही टिकट पे इंक्लूड होती है। देखते हैं टिकट प्राइस क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज है, मस्ती करेंगे। मैं भी आज आई हुई हूँ अपने फ्रेंड के साथ, और चलते हैं अंदर और जो भी एक्टिविटीज है आपको दिखाएंगे, मस्ती करेंगे और आपको अंदर मिलेंगे। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, आप अपने व्हीकल्स यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हो। तो ये विशालगढ़ का एंट्रेंस और यहाँ पे है टिकट काउंटर, तो चलो टिकट के बारे में पता करते हैं। ये रहा टिकट जो हमने ऑलरेडी ले लिया है, ये देखो। और बच्चे जो 2.5 फीट से 4 फीट तक के होंगे ना, वो होंगे 700 के। तो यहाँ पे ऐसे कुछ तिलक लगा के एंट्री होती है, ये देखो। तो भाई हमने लगा लिया है तिलक और अंदर की तरफ आ चुके हैं, एंट्री करते ही कुछ ऐसा है। तो अंदर आते ही यहाँ पे एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है, जो कि आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे छोटे छोटे जानवर वगैरह है। आगे एक स्टाफ ने हमें बोला कि ब्रेकफास्ट अभी भी चल रहा है तो आप पहले कर लो, तो हमने सोचा कि मौका क्यों गवाए, पहले खा लेते हैं। बहुत ही बड़ा एरिया है, पूरा ग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ पे एनिमल्स के प्रिंट्स वगैरह है, यहाँ पे मैजिक शो वगैरह भी होता है, यहाँ पे आई थिंक कठपुतली डांस भी होता है, यहाँ पे बीच में स्टेज भी है, और यहाँ पे भी मटका डांस वगैरह होता है, चंपी वगैरह भी होती है, म्यूजिक बजता है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, अगर आप फुल डे के लिए आओगे तो आप बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हो। तो ये सामने है भोजनालय, और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो ब्रेकफास्ट चल रहा है, और हमने सुना है यहाँ पे सुबह के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ब्रेकफास्ट चलता है, और हम 11 बजे पहुँचे हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में काफ़ी चीज़ें थी, दिखाइए ज़रा। यहाँ पे पूरी सब्जी है, पोहा है, चटनी है, दही है, हलवा भी है, और काफ़ी और भी चीज़ें थी, जिसमें से हमने बस यही लिया क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं खाना और हमें एक्टिविटीज़ कर ले गए, थोड़ा पेट खाली भी रखना है। तो खाते हैं उसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ। तो वो रहा हमारा ब्रेकफास्ट एरिया जहाँ से अभी हम आए, और ये देखो अभी पूरा पूरा ग्राउंड है, ये देखो यहाँ पे सब धूप सेक रहा आराम से बैठ के, और यहाँ पे जिप लाइनिंग भी हो रही है, ये देखो हम भी करेंगे अभी। थोड़ी सी मेरे बजट के हिसाब से यही था। चलो ट्रैक्टर पर चल, फसल उगाने चलना है। ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं, इसको पार करके आगे की तरफ जाते हैं। मिट्टी विट्टी है, मतलब पूरा वाइब दे रहा है, बिल्कुल गांव वाला वाइब दे रहा है पूरी जगह। ये देखो खटिया वटिया भी है, यहाँ पे आराम से आराम करो। तो यहाँ अंदर आने के बाद बहुत सारी गेम्स और एक्टिविटीज़ है, उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी है, देखो पुराने समय में चक्की पीसते थे ना, जैसे गेहूं वगैरह डाल के जब उसको आटा बनाना होता था तो चक्की का इस्तेमाल करके उसको आटे में बदला जाता था। यहाँ पे राजस्थानी कल्चर वाले जो पोशाक वगैरह मिलते हैं वो है, ये देखो। और यहाँ पे मेहंदी भी लगवाई जाती है, अगर आपका मन हो तो आप लगवा सकते हैं। ये रील वाला वो क्या बोलते हैं मशीन, जिसके अंदर क्या कहती ऐसी देखते थे ना, हाँ पहले ऐसी मूवीज देखते थे, मतलब इसके अंदर आँख ऐसे लगा के बैठ जाते हैं, जाइए जाके दिखाइए कैसे बैठते हैं, हाँ ऐसे देखते हैं, और पीछे से यहाँ से ऐसे कुछ चलाते हैं जिससे मूवी टाइप का कुछ दिखता है। तो साइड में एक और चीज है यहाँ पे, ये देखो पॉटरी हो रही है, लो भाई लड़की तो पागल हो गई। तो अब हम बनाएंगे कुछ, तो बनाएंगे शहर के लोग गेहूं पीसते हैं तो ये हालत होता है, ये देखो कितने में कब कब तक ये आटा बना लेगी। कब तो हम जा रहे हैं 15 रुपए पानी भरने के लिए। तो पनगढ़ के बिल्कुल सामने यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि यहाँ पे आपको बेल्ट लगा के उछाल देंगे वो है, यहाँ पे सामने बुल राइड भी है। डर लग रहा है, डर क्या, डर लग रहा है, जीता है माउंटेन ड्यू पियो। ये देखिए ये हो गया इनका लॉक, और ये देखिए शोले की धर्मेंद्र, ऐसा लग रहा है सूली में ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। तो ये दो एक्टिविटी करने के बाद हम आ चुके हैं बुल राइड की तरफ, ये देखो बुल राइड यहाँ पे हो रही है।
तो दोस्तों यहाँ से अडॉप्ट किया है मायने, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो राजस्थानी पोशाक में फोटोज खींचने के बाद अब हम जा रहे हैं एक्टिविटीज एरिया की ओर, जहाँ पे आर्चरी वगैरह भी है, निशानेबाजी जो भी होती है। ये रहा पहली एक्टिविटी यहाँ पे है आर्चरी। सबसे पहले माया स्टार्ट करने जा रही है, तो आप चलो। माया टारगेट होना चाहिए 10, और लगा तो 10 पे ही था। तो आर्चरी के बाद अगली गेम है यहाँ पे हमारा रिंग टॉस गेम। इसमें हमें ना ऐसे जो ऐसे लगे हुए ना लाइंस टाइप, उसमें हमें रिंग डालना होता है ऐसे करके। क्या मार के दिखा, तूने एक साबुन लॉस कर दिया। अरे यार मैंने भी एक साबुन हार दिया। तो एक्टिविटीज करने के बाद देसी खटिया में लेटते हुए कुछ लोग यहाँ देखो आराम कर रहे हैं सब लोग। अपना अपना खटिया कस्टमाइज भी कर लिया है इन लोगों ने। तो बाकी एक्टिविटीज करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं मैजिक शो में। यहाँ पे और भी छोटी छोटी चीजें हैं एक्टिविटीज देखने के लिए, पर पहले हम मैजिक शो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को राम राम है मेरे। राम राम। मुट्ठी बंद करो जल्दी से, मजाक मत करो, ले तो कोई ना मारा। आपके पास नहीं है, मेरे पास कुछ कुछ कर दो, इसको ऐसा करके झाड़ो तो। ओ मैडम पेंट करो। शो देखने के बाद यहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे डांस वगैरह होता है। देख रहे अजीब तरीके से भागते हो प्राणी, ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सामने ही ट्रैम्पोलिन है जो कि बड़े लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पे मेरी उम्र के बच्चे हाँ बच्चे ही बोल सकते हैं, मेरी उम्र के बच्चे भी ट्रैम्पोलिन कर रहे हैं। और यहाँ पे गुलाब जामुन और जलेबी वगैरह भी है। यहाँ पे आप खाने के साथ साथ आराम से एंजॉय। थैंक यू, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, यू नो आई एम इन डाइट। मजाक कर रही हूँ, मैं कोई डाइट वाइट पे नहीं हूँ, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है बस इसलिए। बहुत सारा खाना ना खाने के बाद ना पेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, भर गया है, तो सोच रहे कुछ नींबू पानी पी के पेट को हल्का कर लिया जाए। मज़ा आ गया। तो ये देखो दिन का समय हो रहा है, और ये देखो माहौल कितना प्यारा है, वहाँ पे गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, ये खाने का पॉइंट है, यहाँ पे जिपलाइन पॉइंट है, यहाँ पे नींबू पानी जब अभी पिया। तो यहाँ पे अगर आप आते ना आपको आधी ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि शेविंग, यहाँ पे शेविंग वगैरह चम्पी वगैरह चल रही है। सो माया रेडी हो रही है हार्नेस पहन के जिपलाइन के लिए। क्या ऊंचाई है, ऊपर तक हमें जाना है और वहां से फिर हमें ज़िपलाइनिंग करनी है। हजारवीं बार कन्विंस करने के बाद अब तैयार हुई है ये लड़की। तो ये मेरा दूसरा ज़िपलाइन है जो मैं करने जा रही हूँ, देखते हैं कितना मजा आया, कितना डर लगेगा। मुझे लगता है पिछले वाले से ना इसकी हाइट ज्यादा है भाई, मजाक कर रही है, इतना डर गई, इसकी हालत खराब हो रही है हर चीज में। तो ये देखो भाई विशालगढ़ फार्म से ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है, प्योर गाँव का वाइब दे रहा है ये। सामने दूर दूर तक खेत ही खेत है और पहाड़ भी, थोड़ा सा बच्चा भी कर रहा है, और तू है कि कैसे डर रही है बच्चों की तरह। सो हियर वी गो, माया जा रही है। चुके हैं अभी झीमड़वार यानी भोजनालय में, और राजस्थानी लैंग्वेज में झीमड़वार बोलते हैं इस जगह को, भोजनालय को। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे रोटी है, मंचूरियन है, चाउमीन है, और ये कढ़ी चावल है, मिक्स सब्जी है, पनीर की सब्जी भी है, दाल मखनी है, चावल है, रायता, ये मिक्स ऐसा चार टाइप का कुछ है, पापड़ है और सैलेड है। यहाँ पर एक प्रॉपर खाना है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खाना है। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और एक हेल्दी डाइट चाहते हैं, हेल्दी खाना चाहते हैं, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये मैंने अपना खाना ले लिया है, मेरी दोस्त को नूडल्स पसंद है इसलिए मैंने नूडल्स ले लिया। तो चलो पहले खाते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों वहाँ था हमारा फूड कोर्ट जहाँ से हमने नॉर्मल खाना खाया था, और उसी के थोड़े से दूर में यहाँ पर है हमारा ग्रामीण रसोई, यानी जो राजस्थानी कल्चर में जो मेन खाने होते हैं, तो वो सारे खाने यहाँ पे मिलते हैं। और अगर आप राजस्थानी फूड ट्राई करना चाहते हो तो आप वो भी खा सकते हो, और साथ साथ हमारी तरह अगर नॉर्मल खाना खाना चाहते हो तो वो भी खा सकते हो। कोई एंट्री पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ पे ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, मिस्सी रोटी, मकई रोटी एंड बाजरे की रोटी विद वाइट मक्खन, देसी घी, गुड़ बूरा, शक्कर, लहसुन की चटनी, पुदीना चटनी, सरसों का साग, सरसों का साग, चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, सारी चीज़ें हैं। ये है सारे डिशेस यहाँ पे रेडी हैं, ठीक है, और यहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ पे रोटी भी बन रही है बिल्कुल तैयार, और बनती हुई रोटी आप आराम से बैठ के खा सकते हो, गरम गरम रोटी, बिल्कुल गांव वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे। और
और यहाँ पे है म्यूजिक। भीड़ देख रहे हो किस चीज़ की है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फ्री 1 मिनट फैट एनालिसिस होता है, आपके फैट का जांच होता है और किस तरीके से लूज करना है वो भी बताया जाता है, और बिल्कुल फ्री है। यहाँ की फैसिलिटीज मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, एक चीज़ तो वो कि रोटी ऐसे बन रही है और लोग खिला रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे हेल्थ चेकअप करा सकते हो, और यहाँ पे खाना भी बहुत टेस्टी बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आप कभी भी दिल्ली या गुड़गांव साइड आते हो तो विशालगढ़ फार्म में आना मत भूलना, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज के साथ साथ स्विमिंग पूल भी है, अगर आप समर सीजन में आते हो तो आराम से नहा सकते हो, विंटर्स में तो काफी खाली रहता है। तो स्विमिंग पूल के साइड में यहाँ पे ऐसे झूले भी हैं और यहाँ पे हम लोग भी झूला झूल सकते हैं, तो चलते हैं झूला झूलेंगे। तो फेरी स्वील में झूलने के बाद अब हम झूल रहे हैं इस वाले में। यहाँ पर ऊंट की सवारी भी की जाती है, मुझे डर लगता भाई। ऊंट सवारी के बाद ये साइड में एक और है घुड़ सवारी। क्रिकेट भी खेल रहे हैं कुछ लोग, बैडमिंटन खेल रहे हैं कुछ लोग, बास्केटबॉल खेल रहे हैं और कुछ लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। सारी एक्टिविटीज है ना कि आप करते करते थक जाओगे, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा एक्टिविटी का एरिया है, ये देखो। तो फाइनली मेरा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी लंच का खाना पचा भी नहीं था कि इवनिंग स्नैक्स रेडी हो गया, लगता है खिला खिला के मार मचा। चेयर भी खेल रहे हैं लोग, देखो। तो इवनिंग स्नैक्स में ये हमारा पाव भाजी और चाय, बाकी और भी चीज़ें हैं गोलगप्पे वगैरह। और यहाँ पे खाने की एक चीज़ है कि यहाँ पे ना खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ है, यानी अगर आप 1300 रुपये पे कर रहे हो तो आप जी भर के खाओ, आपको खिला खिला के मार देंगे। तो दोस्तों ये विशालगढ़ फार्म्स पड़ता है गुड़गांव के टिकली विलेज में, और यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हुडा सिटी सेंटर, वहाँ से आप अपने व्हीकल से या ऑटो रिक्शा से आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको विशालगढ़ फार्म जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद।